30 जून तक टालकर खट्टर सरकार हरियाणा के किसानों से विश्वासघात कर रही है। सच्चाई ये है कि भाजपा जजपा सरकार किसानों से धोखे की लेबोरेटरी बन गई है। दो किसानों को 2022 तक आय दुगनी करने का झुंझुना पकड़ाकर केंद्र में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सत्ता हथिया ली, परंतु ये तुगलकी फरमान जो खट्टर सरकार ने कल जारी किया है कि गेहूं खरीद को 3 हिस्सों में 30 जून तक टाल देना, ये हरियाणा के किसानों के साथ एक घिनौना षड्यंत्र है। कल 26 मार्च 2020 को जारी किए गए इस तुगलकी ये तुगलकी फरमान अपने आप में हरियाणा के किसानों के साथ एक भद्दा और क्रूर मजाक है। जले पर नमक छिड़कने का आलम यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि किसान फसल काट कर 30 जून तक अपने घर में भंडारण कर ले, और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी जो विभाग के मंत्री भी हैं उन्हें शराबियों की सेहत से फुर्सत मिले तो वो हरियाणा के किसान और खेत मजदूर के बारे में सोचें। किसान की मेहनत की पीठ में खंजर घोंपने वाली भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार के इस तुगलकी फरमान के तीन पहलू और चौंकाने वाले हैं। पहला, 20 अप्रैल से पहले गेहूं की खरीद शुरू ही नहीं होगी। दूसरा, गेहूं की खरीद 3 चरणों में होगी, यानी 20 अप्रैल से 5 मई, 6 मई से 31 मई और फिर 1 जून से 30 जून। कैसे क्या होगा किसान का, और 1 अप्रैल से 5 मई तक किसान की खरीद पर एमएसपी के अलावा एक फूटी कौड़ी नहीं दी जाएगी। किसान विरोधी भाजपा जजपा सरकार इन तुगलकी फरमानों व षड्यंत्र के चलते पूरी तौर से महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर रही है जानबूझकर। हमारे 8 प्रश्न भाजपा जजपा सरकार से हैं। पहला सवाल, हरियाणा का किसान गेहूं की फसल को 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 95% मात्रा में मंडी में लाकर बेच देता है। ऐसे में किसान अगर 3 जून 2020 तक फसल कैसे नहीं काटे और मंडी में कैसे नहीं बेचे, क्या दुष्यंत जी और खट्टर जी जवाब देंगे? दूसरा सवाल, क्या खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी ये नहीं समझते कि अगर किसान फसल की कटाई गेहूं की कटाई नहीं करेगा तो खड़ी गेहूं की फसल नष्ट हो जाएगी? तीसरा सवाल, क्या भाजपा और जजपा सरकार को यह ज्ञान नहीं कि 3 महीने तक यानी 30 जून 2020 तक किसान फसल काटकर अपने घर में भंडारण नहीं कर सकता, क्योंकि हरियाणा का 95% किसान तो 5 एकड़ या 2 एकड़ से कम का मालिक है, और अगर उसे उसे मौजूदा फसल का कर्ज भी चुकाना है और अगली खरीफ की फसल की बुआई का इंतजाम भी करना है। चौथा सवाल, क्या खट्टर सरकार यह नहीं समझती कि अगर 30 जून 2020 तक गेहूं की कटाई होगी ही नहीं, सरसों की कटाई होगी ही नहीं, तो अगली फसल की बिजाई या बुआई कैसे होगी? पांचवा सवाल, क्या कारण है कि खट्टर सरकार ने आज तक गेहूं और सरसों खरीद के लिए न तो बारदाना यानी कट्टे खरीदे, न खरीद के लिए अनाज मंडियां आवंटित की, न एफसीआई हेफेड हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन फूड और सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, न मंडी वाइज मूवमेंट प्लान निर्धारित की, न मंडी में खरीद स्टाफ की ड्यूटियां लगाई और न मंडी लेवल कमेटियां बनाई? तो ऐसे में गेहूं और सरसों की खरीद होगी कैसे? छठा सवाल, क्या कारण है कि 3 बार बेमौसमी बारिश और ओलों से हुई किसान की खड़ी फसल नष्ट होने का आज तक भी एक फूटी कोड़ी मुआवजा भाजपा और जजपा सरकार ने नहीं दिया? सातवां सवाल, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने आज तक फसल की खास तौर से गेहूं और सरसों की खरीद बारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की
कोई ड्यूटी निर्धारित नहीं की। और आठवां सवाल, क्या मोदी सरकार और हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार ये भूल गई है कि देश की खाद्य सुरक्षा हरियाणा व पंजाब पर निर्भर है? क्या ये वो नहीं जानते कि खाद्यान्न के केंद्रीय कोटे में हरियाणा व पंजाब खास तौर से गेहूं की फसल का 65% से अधिक हिस्सा देते हैं? क्या ये सही नहीं कि पिछले 2019-20 रबी सीजन में देश में 341 लाख 33 हजार मीट्रिक टन की खाद्यान्न खरीद हुई, उसमें से 222 लाख मीट्रिक टन अकेले पंजाब और हरियाणा ने दी, तो फिर देश की खाद्य सुरक्षा का होगा क्या? दूसरी तरफ मोदी सरकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कंगाल बनाने पर तुली है। क्या ये सही नहीं कि मोदी सरकार द्वारा आज भी एफसीआई का 1,74,000 करोड़ देय है? क्या ये सही नहीं कि पिछले 5 साल में एफसीआई पर कर्जा बढ़कर 2,65,000 करोड़ हो गया है, और वो भी 8% की ब्याज की दर पर, जिसमें से 1,91,000 अकेला नेशनल सेविंग स्कीम से है? तो एफसीआई पर ही तालाबंदी हो जाएगी तो किसान की फसल भविष्य में भी कौन खरीदेगा? हमने ये बात दिसंबर 2019 में भी बताई थी और आज वो बात सच होकर सामने आई है। समय आ गया है कि दिल्ली और हरियाणा की भाजपा जजपा सरकारें इस छल और षड्यंत्र का किसान को जवाब दें। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। ये 14 और क्योंकि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, ये सरकार ने फैसला भी 20 अप्रैल के बाद की खरीदारी का इसीलिए किया है। क्या आपको लगता है अगर 1 अप्रैल से शुरू होगी तो लॉकडाउन फेल हो जाएगा? हमने 3 दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैंने और पार्टी ने इस पे सहमति जताते हुए ये कहा था कि जैसे राशन की दुकान खुली है, केमिस्ट की दुकान खुली है, दूसरी दुकानें जो जरूरी हैं वो खुली है। याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है पर देश की खेती नहीं। क्या ये सही नहीं कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगह फसल तैयार है, कटाई के लिए खड़ी है, और ये मार्च के आखिरी हफ्ते से कटाई शुरू हो जाती है और 20 अप्रैल तक 95% कटाई खत्म हो जाती है। ऐसे में कम से कम फसल की कटाई और एमएसपी का इंतजाम किया जाए, जरूरत पड़े तो मंडीज को भी, अनाज मंडियों को एसेंशियल सर्विसेज में शामिल किया जाए, क्योंकि सब कुछ इंतजार कर सकता है, खेती नहीं। किसान की फसल अगर खड़े खड़े नष्ट हो जाएगी, अगर 20 अप्रैल तक वो कटाई नहीं करे या 30 जून तक कटाई ना करे, तो उसकी फसल का 10% हिस्सा बचेगा और अगली फसल की बुआई नहीं हो पाएगी। अगर खरीफ और रबी दोनों फसलें, रबी की मौजूदा और अगली फसल दोनों नष्ट हो जाएंगी, अगर गेहूं और सरसों नष्ट हो जाएगी, धान की फसल की बुआई नहीं होगी, तो फिर देश की खाद्यान्न सुरक्षा का होगा क्या? इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि पहला कदम लॉकडाउन के साथ उठाने की आवश्यकता है कि फसल की कटाई और फसल की खरीद का पुख्ता इंतजाम हो। हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था जो आप एफसीआई वगैरह के कर रहे हैं कि एफसीआई वगैरह की तो लगभग जो है तैयारी हो चुकी है और 20 अप्रैल से जैसे ही खरीदारी शुरू की जाएगी तो मैक्सिमम जो है लोग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है कि आप ये जैसे 20 से 5 जून तक का है जो ना जो उसके, क्योंकि उसपे बोनस जो है वो इंसेंटिव दे रहे हैं, अगर ज्यादा लोग 20 अप्रैल के बाद आना चाहेंगे तो वो बेच सकते हैं। सर, ये क्या प्रपोजल ही है या कोई बिल्कुल अंतिम फैसला है? आदरणीय मित्र, मैं ये कहना चाहूंगा, सच्चाई ये है कि ना मोदी सरकार में और ना खट्टर सरकार में, ना उन्हें किसान की चिंता है, ना किसान की समस्या की समझ, केवल किसान से विश्वासघात, छल और षड्यंत्र किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, अगर किसान की फसल आज कटाई के लिए तैयार खड़ी है और लॉकडाउन भी 11 अप्रैल तक है तो खरीद 20 अप्रैल से क्यों शुरू की जा रही है? 14 अप्रैल तक है तो खरीद 20 अप्रैल से क्यों शुरू की जा रही है? सच्चाई ये है कि इसे एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर किया जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप जो खरीद है वो 5 अप्रैल तक मुलतवी कर देते,
परंतु ज्यादातर फसल तो 20 अप्रैल से पहले आ जाती है 90%। तो किसान की फड़ी खड़ी फसल अगर खेत में नष्ट हो जाएगी तो देश की खाद्यान्न सुरक्षा का क्या होगा? ना दुष्यंत चौटाला जी इसे समझ रहे और ना इसे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी समझ रहे। वो किसान को अपने हाल पर, अपने रहमो करम पर छोड़कर उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। कभी तो खट्टर साहब कहते हैं कि किसान को चावल निकलवाकर अपने घर में रख लेने चाहिए, अब कहते हैं कि गेहूं काटकर अपने घर के अंदर रख लेनी चाहिए। किसान घर के अंदर कैसे भंडारण करेगा? उसकी तो एक एक दो दो एकड़ जमीन है। और जो काश्तकार किसान है, जिसने पटे पर लेकर खेती करता है, जो खेत मजदूर है, गरीब अनुसूचित जाति के साथी हैं, वो 30 जून तक अपने परिवार का पेट पालेंगे कैसे? क्या खट्टर सरकार इसको समझती भी है? प्रश्न ये है सर, आपने लगातार दो शराब ठेके प्रदेशों खुले, ये तो फिर आपकी, क्योंकि आप किसानों के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कोई राहत के पैकेज की भी मांग है? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है, 3 बार किसान की फसल उत्तरी भारत खासतौर से हरियाणा में नष्ट हो चुकी, 3 बेमौसमी बारिश समेत आज की बारिश के साथ हो गई, ओले पड़े, किसान की फसल में 25% से 60% तक का नुकसान है, सरसों में और गेहूं में और दूसरी जो सब्जी इत्यादि में। आज तक एक फूटी कोड़ी मुआवजा नहीं दिया गया, सबसे पहले तो उसका मुआवजा दीजिए। दूसरा, अगर खड़ी फसल नहीं काटेंगे और बेचेंगे तो राहत पैकेज का कोई लाभ नहीं। अगर किसान की फसल का 50%, 60%, 70% हिस्सा खेत में ही नष्ट हो जाएगा तो वो 50 रुपया बोनस का करेगा क्या? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसकी फसल की कटाई और उसकी फसल की बिकवाई, वो 20 अप्रैल से तक जरूर खत्म होना अनिवार्य है। जरूरत पड़े तो अनाज मंडियों को एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर करिए, राशन की दुकान, केमिस्ट शॉप, दूध वाला, सब्जी वाला उनकी तरह, और किसान की फसल बिकवाइए, एमएसपी पर बिकवाइए, कम से कम उसे राहत दीजिए, उसके साथ षड्यंत्र मत करिए। इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी कर हमारा सीधा अनुरोध है। एक दो एमएसपी 25 रुपए जून में मिलेगा, डिमांड करते कि एमएसपी पहले जो स्टार्टिंग में 20 अप्रैल के आसपास अगर फसल आती है ये पहले बढ़ा दे कुछ ऐसा। देखिए, बड़ी सीधी बात है, किसान की फसल 30-40% नुकसान हो गई है, उसका एमएसपी 1925 रुपए से काम चलने वाला नहीं। तो सबसे पहले तो हमने मांग की थी कि उसको 15,000 रुपया एकड़ प्रति एकड़ कम से कम मुआवजा दिया जाना चाहिए। खट्टर साहब फौरन उस मुआवजे की राशि दें, उसका वितरण कर दें। नंबर दो, किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो खरीद लीजिए। किसान की अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो वो एमएसपी पर बोनस लेकर करेगा क्या? किसान की फसल तो 20 अप्रैल से पहले खरीदना अनिवार्य है। यह बात केवल वो समझ सकता है जिसने खुद खेती की हो, जो खुद खेती करता हो और जो खेती करने के साथ साथ किसान, खेत मजदूर और काश्तकार किसान की पीड़ा समझता हो। दुर्भाग्य से ना ये खट्टर साहब समझते, ना मोदी साहब समझते। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों किसान की आंसू पोंछने की बजाय उससे विश्वासघात कर रहे हैं। ये जितने उपाय हो रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, प्रदेश सरकार की खास बात करेंगे तो एक पुलिसिया जबर भी देखने में आ रहा है, तो आपका इसको लेके क्या कहना है कि नतीजों से जो है सेटिस्फैक्टरी जो काम हो रहे हैं? क्या प्रदेश के अंदर, सबसे पहला प्रश्न ये है, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस से लड़ रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहा है? जैसे फौज पर, मैं बॉर्डर पर हमारा सिपाही लड़ता है, हमारे डॉक्टर लड़ रहे हैं। रोहतक मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर, डॉक्टर चावला ने केवल N95 मास्क मांगे थे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से, उन्हें डराकर उनका सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दिया गया। क्या सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने से हैजमेट सूट्स, ग्लव्स, शू कवर, हेड कवर, कवर ऑल, N95 मास्क, गॉगल्स वो मिल जाएंगे? जाकर देखिए, अधिकतर अस्पतालों में या तो निजी संस्थाओं ने कुछ ना कुछ दान में ये चीजें खरीद कर दी हैं। सवाल ये है
आदरणीय खट्टर साहब की सरकार इस बारे में क्या कर रही है। नंबर दो, कोविड 19 का टेस्ट या कोरोना वायरस का टेस्ट रोहतक मेडिकल कॉलेज और भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज में तो हो रहा है, परंतु बाकी के हरियाणा वासी कहां जाएं? क्या महेंद्रगढ़ या सिरसा का व्यक्ति रोहतक जा सकता है कोरोना 19 का टेस्ट करवाने के लिए आज जब पूरी तरह तालाबंदी है? क्या कैथल और कुरुक्षेत्र का व्यक्ति भगत फूल सिंह कॉलेज तक जा सकता है? क्या पलवल का व्यक्ति भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज तक आ सकता है? मुझे लगता है सरकार को इस पर दोबारा चिंतन करने की आवश्यकता है। नंबर तीन, हरियाणा के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस की तनख्वाह डबल क्यों नहीं की जा रही? ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमने पूरे देश में भी अनुरोध किया, यहां भी अनुरोध करते हैं। नंबर चार, क्या आपके पास अगले दो महीने के लिए N95 मास्क, गोगल्स, हेड कवर्स, 3-ply मास्क, सर्जिकल मास्क, कवरऑल, शू कवर, ये सब उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में उपलब्ध है? नंबर पांच, वो क्यों प्राइवेट अस्पतालों को कोविड 19 अस्पताल डेजिग्नेट नहीं किया जा रहा? चीन का, इटली का, स्पेन का ये तजर्बा है कि जब दूसरे मरीजों के साथ कोरोना वायरस का मरीज आता है तो दूसरे मरीज भी इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, जैसे अब पंचकुला में एक अस्पताल को निर्धारित किया है। हर शहर में एक प्राइवेट या सरकारी अस्पताल को अकेले कोरोना वायरस के लिए डेजिग्नेट करना चाहिए। नंबर छह, पूरे प्रदेश के अंदर आलू, प्याज, हैंड वॉश, साबुन, मास्क, इन सबकी कालाबाजारी खुलेआम धड़ल्ले से हो रही है। यहां तक कि राशन का सामान मिलता नहीं, लहसुन मसाले जो है वो कई कई गुना बढ़ गए हैं। सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की, कालाबाजारी कैसे रोकी, ये सारी चीजें हर घर में कैसे उपलब्ध हो? कम से कम इसका पुख्ता इंतजाम करने की आवश्यकता है। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं मुख्यमंत्री खट्टर साहब से हरियाणा वासियों की तरफ से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, हम इस लड़ाई